तो ये अखबार है यहाँ के, अपने को तो कुछ समझ लग नहीं रही, भैया सुबह सुबह बांट रहे थे। हेलो, तो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। आज अपना श्रीनगर में दूसरा दिन है, घर से निकले हुए 3 दिन हो चुके हैं और आज अपन जाएंगे जो कश्मीर का भाई है उसी के साथ घूमने, वो मोनू का भैया है। तो जो भैया है वो अपने को श्रीनगर में ही घुमाएंगे। वो बोले भी यहाँ श्रीनगर में ना स्पेशल मार्केट लगती है जहाँ फॉरेन का सामान भी आता है और यहाँ का भी जो बनता है, जैसे कश्मीरी शॉल हो गए और हो गए, तो यहीं बनते हैं वो। तो आज वो आपको दिखाएंगे, तो आप उनके साथ ही घूमेंगे। तो अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं वो, उन्होंने वैसे तो 10 बजे का बोला था, टाइम तो हो गया, पर देखते हैं कितनी देर में वो पहुँचते हैं। तो आप सभी रेडी हैं तो निकलते हैं अपने रूम से। तो होटल से निकल चुके हैं और एक पगडंडी सी बनाई हुई है नदी के साथ साथ, यहाँ लोग मछलियाँ निकालते हैं, फिश निकालते हैं। थोड़ी तबीयत आज ख़राब है, डाउन है, सर्दी लग गई मेरे को लगता है। पीछे से आए हैं आप, इस तरफ जा रहे हैं, इधर ही मिलेंगे वो भैया जो अपने को आज श्रीनगर घुमाएंगे, तो उनके साथ करते हैं एंजॉय। ये दोनों अपने मोनू और विनोदा भाई आगे जा रहे हैं और इस तरफ छोटी सी मार्केट बनी हुई है जो सारा सामान वगैरह मिलता है यहाँ पर। काफ़ी दुकानें नहीं है, बस 5-4 दुकानें हैं, कोई ज़रूरी ज़रूरी सामान मिलता है। तो मोनू के भैया ने तो कैंसिल कर दिया जाना, बोले मार्केट में नहीं जाऊंगा, उनको कोई काम आ गया। उनके जो ऊपर रैंक वाले हैं, ऑफिसर हैं, उन्होंने बोला भी आपको नहीं जाना, तो उन्होंने मना कर दिया। तो अब आप 5 दिनों ही चलेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं संडे मार्केट, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना। तो अभी आप संडे मार्केट में आ चुके हैं और भीड़ तो बहुत है यार, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ कहते हैं भी फॉरन का माल सामान है और जो यहाँ खुद के कारीगर हैं शॉल वगैरह और बनाते हैं, तो वो भी आप अपनी दुकानें लगाते हैं। तो आज आप देखते हैं सबसे पहले क्या क्या सामान मिलता है यहाँ पे। तो मार्केट तो बहुत सही है, एक तरह का सा आप जैसे दिल्ली में चोर बाजार है, वैसे यहाँ श्रीनगर का इसको चोर बाजार बोल सकते हो। माल बड़ा सस्ता है, जैसे कोई कोट वगैरह है ठीक है तो अपने रैंडमली 2200-2300-2400 रुपए का मिलता है, तो यहाँ वो कोट 1200-1300 रुपए का आपको प्राइस में मिल जाएगा। तो प्राइस तो ठीक है हर चीज़ का, जैसे मार्केट से 1000 रुपये तो लेस हाई, अगर 2000 रुपये की चीज़ है, हाफ रेट का फ़र्क है, तो इसलिए शॉपिंग करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है अगर कोई श्रीनगर आए तो। ये संडे मार्केट लगती है। और यहाँ एक और अच्छी बात है कश्मीर में, आपको ना चाय बड़ी अच्छी मिलेगी और यहाँ ना बिस्कुट बड़े 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 हैं, जैसे 10 रुपये का एक बिस्कुट है, तो बहुत बड़े बड़े बिस्कुट हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज में। तो चाय बन के रेडी हो चुकी है, चाय बहुत स्वादिष्ट बनती है यहाँ पे। और पीछे संडे मार्केट लगी हुई है, विनोद वहाँ शॉपिंग कर रहा है, शूज़ पहन पहन के देख रहा है, आप देख सकते हो। तो चाय पी के थोड़ी जान आई है शरीर में, तो फिर से देखते हैं दुकानें दिखाते हैं आपको, थोड़ा बहुत सामान और जो जो रह गया है मार्केट में क्या है। तो इन दोनों से अभी तक शूज़ सेलेक्ट नहीं हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनको शूज़ देखते हुए, पर कोई भी दुकान पर इनको शूज़ पसंद नहीं आया। अच्छे हैं वैसे शूज़, तो इनमें से कोई भी शूज़ लो, 600 रुपये के हैं, जो मर्जी उठाओ। ये लेडीज़ के 200-200 रुपये के, 200-200 की आवाज़ भी लगा रहा है भाई, 200-200 रुपये के लिए। तो सारी मार्केट घूम ली है, तो मार्केट में अपन भी कुछ सामान लिया नहीं है क्योंकि अपने पास वैसे ही बहुत लगेज है, तो उठाने वाला कोई है नहीं,
तो इसलिए संडेस मार्क तो किया है। और अपना बंदा जो है हर बार खो जाता है, अब भी खो गया है, पता नहीं कहाँ गया है, तो उसको भी ढूंढते हैं। तो आ गया, मिल गया है ये, अभी खो गया था ये। तू कहाँ रह जाता है यार? क्या रह जाता है यहाँ पे, देखो मतलब आपके साथ आप रुकते नहीं हो यार कहीं पे। 709 तो ये पुल है, पुल से उतरते ही मार्केट शुरू होती है, हर संडे लगती है। तो संडे मार्केट घूम के आप वापस होटल आ चुके हैं, अपने जहाँ रहते हैं। और तो अपने होटल से ऐसा कुछ व्यू दिखता है, वो सबसे बड़ा पहाड़ है। तो शाम को देखते हैं डल लेक दोबारा जाएंगे, दिन में तो मैंने आपको दिखा दिया है, अब आज रात का देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो नाइट में देखते हैं 7-8-9 बजे के करीब भी कैसा रहता है वहाँ मॉल और कितने के लोग रहते हैं, कैसी लाइटिंग है। तो शाम को डल लेक की तरफ चलेंगे, अभी कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने कहा था शाम को आप डल लेक पर चलेंगे, तो अभी टाइम हो चुका है शाम के 7, तो आप आ चुके हैं डल लेक पे। और डल लेक का नज़ारा कुछ देखेगा है, जैसे शाम को ये बोट्स हैं उनमें लाइट जग रही है, तो डल लेक के सामने ही इधर होटल्स वगैरह हैं, बोट में भी होटल है, पर आपको अगर बोट में नहीं रहना है क्योंकि बोट में महंगाई बहुत है, हर एक सामान महंगा मिलता है, तो आप सामने होटल लेके भी रह सकते हो। और यहाँ हर एक प्रकार की शॉप है कुछ भी खरीदने के लिए, आगे शॉप ही शॉप है, पीछे भी कुछ है, यहाँ बड़े होटल हैं इसलिए इनकी आगे पार्किंग लगाई हुई है। तो बाहर बारिश शुरू हो चुकी है अभी, जैसे ही आप डल लेक से आए वापस तो बारिश शुरू होगी, तो यहाँ पहुँचते ही हो गई थी, तो आप होटल के बाहर खड़े हैं, बारिश शुरू हो चुकी है, तो अभी आप खाना खाते हैं, बिजता फिर रहा है या तो। तो आज का ब्लॉग खत्म करने का टाइम आ गया, उससे पहले आपको थोड़ा मीठा दिखा देते हैं, खिला भी देते हैं। तो ये यहाँ की स्पेशल आइटम है जो हमने आज परचेज की थी मार्केट से, और ये दूसरे, ये तो गुलाब जामुन ही है, इनका नाम मेरे को पता नहीं क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट है, 550 रुपये किलो मिलते हैं गुलाब जामुन यहाँ पे। हाँ प्राइस बहुत है, ये 550 रुपये किलो, ये भी 550 रुपये पर केजी, ये चेक करके दिखाओ। जो हमारे एरिया के अंदर 120 रुपये किलो, ये यहाँ पे 550 रुपये किलो हो गया। चल चेक अपा चेक करते हैं और इसका टेस्ट बताते हैं कैसा आपको। काफ़ी अच्छी है, यहाँ की मिठाई महंगी बहुत है पर अच्छी है, स्वादिष्ट है खाने में। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, जिस भाई को वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। टाटा बाय, ओके।